नमस्ते, वेलकम टू मिक्सीज चैनल। मैं हूँ भाग्यश्री। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बनाने वाले हैं पोहा। मैं आपको आज पोहा की रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी में एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट जानने के लिए आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखें। ये आप कभी भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, एनी टाइम, क्योंकि ये बहुत ही क्विक और इजी सिंपल रेसिपी है। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ ये रेसिपी बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। सबसे पहले ये जो मूंगफली है, इसे हम तवा पर स्लो गैस पर कुछ इस तरह से सेक लेंगे डार्क ब्राउन होने तक। मूंगफली को अच्छे से सेकने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे और मूंगफली के ऊपर का जो लेयर है, जो छिलका है, उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से मिक्सर में ऐड करके हम इसे पाउडर बना लेंगे कुछ इस तरह से, और इसे हम साइड में रख लेंगे। अभी हम पोहा लेंगे। पोहा को हम इस तरह से भिगा लेंगे, या फिर आप जिस भी तरह से भिगाते हैं उस तरह से आप पोहा को भिगा लें। मैंने 150 ग्राम पोहा यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। आप पोहा के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोहा को अभी हम साइड में रखेंगे अच्छे से पानी सोख होने के लिए। अभी कढ़े में हम 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, करी पत्ता ऐड करेंगे, ये है चॉप्ड हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं बॉइल्ड आलू। ये उबले हुए आलू है, इसलिए हम ज़्यादा देर के लिए इसे तेल में नहीं रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इमीडिएटली हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच या फिर 1 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। इमीडिएटली हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मूंगफली पाउडर। मूंगफली पाउडर जो है आप एंडिंग में भी डाल सकते हैं, पोहा और धनिया ऐड करने के बाद लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे पोहा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी हेल्दी के साथ साथ लाइट डाइट भी है, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड धनिया। धनिया ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हेल्दी और लाइट के साथ साथ ये बहुत टेस्टी भी है, तो ज़रूर 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 ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का जूस। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे भी और ढक्कन से ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए। स्लो गैस पर रखेंगे पोहा को और 5 मिनट के बाद हम गैस बंद करेंगे और पोहा रेडी है। याद रखिए कि आप मूंगफली पाउडर एंडिंग में भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मूंगफली पाउडर को, पर जितना रेसिपी में मेंशन किया है उतना तो ज़रूर डालें, उससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं मूंगफली पाउडर। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है, तो जल्दी जल्दी आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मेरा टेस्टी पोहा तो रेडी है, चलिए अभी मैं इसे टेस्ट करती हूँ। आप भी जल्दी जल्दी बनाएं और टेस्ट करें। गार्निश करें चॉप धनिया के साथ और स्क्वीज़ करें थोड़ा सा नींबू का रस और गरम गरम सर्व करें, एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।